कह देना 50 करोड़, 60 करोड़, कितना दे दू, 100 करोड़, कितना मिला, कितना मिला, कुछ मिलल। यह जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, यह जुमलेबाजों की सरकार है, और यह जुमलेबाजी सरकार को इस बार यहां से उखाड़ फेंकना है। नौजवानों को रोजगार देने के बाद इन्होंने किया था, कितने नौजवानों को रोजगार मिला, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार किए थे, वादा किए थे चुनाव में, लेकिन एक भी नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। दूसरी तरफ मित्रों, आज जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव इस सोच पर हो रहा है कौन प्रत्याशी जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। इस चुनाव इसलिए हो रहा है कि देश का संविधान बचे कि नहीं बचेगा, हिंदुस्तान का लोकतंत्र बचे कि नहीं बचेगी, हिंदुस्तान की जमहूरियत बचे कि नहीं बचेगी। यह लोकसभा का चुनाव इस बार हो रहा है। साथियों, आप लोग देख रहे हैं किस तरह से देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, देश में आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है। 85% जिनकी आबादी है उनके रिजर्वेशन को सीमित कर दिया गया है, 10% जिनकी आबादी है उनके रिजर्वेशन को 50% कर दिया गया है। इसलिए साथियों, यह लड़ाई आरक्षण को बचाने की लड़ाई है, यह लड़ाई गरीब गुरबों की लड़ाई है, और इस लोकतंत्र को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं कि देश के अंदर में मनुष्य मृत्यु का स्थापित किया जाए। महात्मा गांधी के हत्यारा नाथूराम गोडसे का देश बनना चाहते हैं। मित्रों, ये हिंदुस्तान गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान बाबा साहब अम्बेडकर का हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान शहीद आजम भगत सिंह का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान बनेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह का हिंदुस्तान बनेगा। इसलिए साथियों, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। आज नीतीश जी, हमने देखा कि बिहार में मजदूरी मांग रहे हैं। किस चीज का मजदूरी? सृजन घोटाला की मजदूरी, शौचालय घोटाला की मजदूरी, कि आपने 2015 के विधानसभा चुनाव में जिस जनादेश घोटाला किया था उस जनादेश घोटाले की मजदूरी, कि मुजफ्फरपुर के सेंटर होम में 42 समाज औरत बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया राजसत्ता के संरक्षण में, आप किसकी मजदूरी मांग रहे हैं नीतीश जी? किस चीज की मजदूरी आप चाहते हैं? इसलिए मित्रों, यह जो नीतीश कुमार है जिन्होंने जनादेश का अपहरण करने का काम किया है, इस जनादेश का अपहरण करने वालों को भी हमें सबक सिखाना होगा। मित्रों, यह वीर कुंवर सिंह की धरती है, यह धरती पीर अली की धरती है, मिर्जा मीर कासिम की धरती है। मैं 1857 के इन तमाम बहादुर साथियों का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि जब देश के अंदर में अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई हुई है तो भोजपुर ने हमेशा अग्रणी मोर्चा बना करके उस मोर्चे को संभालने का काम किया है, और भोजपुर के किसानों ने मजदूरों ने हमेशा नया रास्ता दिखाने का काम किया है। जब 1857 में अंग्रेजों का राज चल रहा था, भारतीयों के ऊपर में जुल्म ढाए जा रहे थे, तब इसी भोजपुर से वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में, मिर्जा मीर कासिम के नेतृत्व में, पीर अली के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेजों के यहाँ से खदेड़ करके भागने का काम किया गया। मित्रों, यह जो भोजपुर की धरती है, यह भोजपुर की धरती महान समाजवादी नेता स्वर्गीय रामानंद तिवारी जी की धरती है। यह जो भोजपुर की धरती है कि जब देश की आजादी के बाद गरीबों को खटिया बैठने का अधिकार नहीं था, गरीबों को अपने वोट देने का अधिकार नहीं था, तब इसी भोजपुर से कॉमरेड राम नरेश राम के नेतृत्व में, मास्टर जगदीश के नेतृत्व में, रामेश्वर यादव के नेतृत्व में, कॉमरेड बुटन कमांडे के नेतृत्व में गरीबों की लड़ाई लड़ी गई, और गरीबों की मान सम्मान की लड़ाई खटिया पर बैठने के अधिकार से लेकर के वोट देने के अधिकार के को हासिल किया गया। इसलिए साथियों, आज जब फिर एक बार देश में अघोषित आपातकाल है, जो देश के अंदर मोदी शाही चल रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो भी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन तमाम नेताओं को सीबीआई ईडी का, जितने सरकारी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को डर दिखाया जा रहा है, उनके छापमारी किया जा रहा है। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की यहाँ, मायावती जी की यहाँ, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी का छापमारी किया गया, आज बिहार में लालू जी जेल में हैं, और उसी केस में जगन्नाथ मिश्रा जी जेल से बाहर हैं, इसलिए उनके बेटे नीतीश मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से एमएलए हैं। इसलिए साथियों, एक केस में दो न्याय दिया गया है, और अभी सुन रहे हैं कि लालू जी के परिवार को, लालू जी के जराची में बंद है जेल में, उनके परिवार को लोग मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए साथियों, यह जो चुनाव है, देश में घोषित आपातकाल के खिलाफ में न्याय और लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है। इन्हें तमाम बातों से बात समाप्त करता